Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. I am Sir Shoaib, and today's video is about short question number 8, chapter 1. In today's video, we will explain and do written work of short question number 8. So let's proceed towards the explanation and the written work. Open your notes at page number 8, short question number 8. First of all, we will explain this question, write its meaning, difficult words meanings, and then we'll do its written work. The question is, when was Lahore resolution introduced and what it demanded? Question ke do hisse hai. Ek ye hai ki jo qaradad Lahore hai, kab wo mutarif hua tha? Dusra hai, what it demanded? Is qaradad mein kya mutaliba hua tha? इस सवाल को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताता हूँ वो सुन ले। लाहौर रिजोल्यूशन या जिसको बाद में पाकिस्तान रिजोल्यूशन का नाम भी दिया गया था, ये एक करारदाद थी जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से 23 मार्च 1940 को लाहौर में, जहाँ पर पहले वो मेंटो पार्क था, अब इकबाल पार्क नाम दिया गया है, वहाँ पर मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन हो रहा था, 27th एनुअल सेशन। और उस जो सेशन की प्रेसिडेंट थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ख़ुद थी। वहाँ पर मुस्लिम लीग के लीडर ने एक रिजोल्यूशन या करारदाद पेश किया जिसको बाद में पास करवाया गया। करारदाद में ये मुतालबा किया गया था कि मुस्लिम लीग या मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में किसी भी ऐसे आईनी जो इस्लाहात है उसको नहीं मानेंगे जब तक कि उनमें ये बात वाज़ह ना हो या ये मुतालबा तस्लीम ना किया जाए कि जो सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है या बर सग़ीर का जो शुमाल मगरबी हिस्सा है और वहाँ पर मुस्लिम अक्सरियती जो इलाके हैं उनको यकजा करके एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत ना बनाई जाए, यानी इसमें एक अलग और आज़ाद वतन का मुतालबा किया गया था जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए इस करारदाद के ज़रिए से। इसलिए तारीख में या पाकिस्तान मोमेंट में इस रिजोल्यूशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इस करारदाद के पास होने के सिर्फ 7 साल लेटर पाकिस्तान वजूद में आया था। अब बाकायदा से अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर मुस्लिम लीडर्स, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे जो मुसलमान रहनुमा थे वर नेवर रेडी, वो कभी तैयार नहीं थे to accept any such system के कोई ऐसा निज़ाम वो मान ले, कबूल कर ले, which may consider Muslim as minority, जिसमें मुसलमानों को अक़लियत ख़याल किया जाता हो, यानी मुसलमानों को अलग कौम ख़याल ना किया जाता हो और उनको अक़लियत तस्वर किया जाए। मुसलमान किसी ऐसे निज़ाम को मानने के लिए तैयार नहीं थे। The Muslims are a nation by any definition of the word nation, और उनका ये कहना था कि दुनिया में कौम की किसी भी तारीफ के लिहाज से मुसलमान कौम है। He emphatically declared, उसने ज़ोर देकर, इसरार करके ज़ोर देकर कहा था हर मौके पर, that Muslims are a separate nation, कि मुसलमान एक अलग कौम है। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आती है। सबसे पहले हम अलाहाबाद एड्रेस की बात करते हैं। अलाहाबाद एड्रेस का ज़िक्र इसलिए ज़रूरी है कि इस करारदाद से 10 साल पहले सबसे पहले ये सोच अलग वतन का ये अलामा इकबाल ने मुसलमानों को दिया था। अलामा इकबाल से पहले मुसलमान सिर्फ अपने हुकूक की और अपने मफादात की तहफ़ की बात कर रहे थे। अलग वतन का मुतालबा उन्होंने कभी नहीं किया था। पहली बार अलाम इकबाल ने अलग वतन का मुतालबा किया और मुसलमानों को एक नई सोच दिलाई। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं जो लाहौर रिजोल्यूशन है उसकी बुनियाद उससे पहले अलाम इकबाल ने 1930 में रखी थी। द अलाहाबाद एड्रेस रेफर्स टू द प्रेजिडेंशियल एड्रेस बाई अलाम इकबाल टू द 25th सेशन ऑफ आल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन 29 दिसंबर 1930। अलाहाबाद का जो सदारती खुतबा है वो अलाम इकबाल के उस
صدارتی خطبے کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر دیا تھا۔ ایٹ الہ آباد ان انڈیا، جو الہ آباد شہر ہے ہندوستان میں، وہاں پر ان ہز پریزیڈینشیل ایڈریس علامہ اقبال کالڈ فار دا ڈویژن آف انڈیا، اور اس صدارتی خطبے میں بھی علامہ اقبال نے ہندوستان کی تقسیم کی بات کی تھی۔ اب جو لاہور ریزولوشن ہے اس کی بات کرتے ہیں، 1940 کا جو ریزولوشن ہے اس کی جو تھوڑی سی تفصیل ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ ان 1938 دا آل انڈیا مسلم لیگ سندھ برانچ ڈیمانڈیڈ دا پارٹیشن آف انڈیا، اور یہ بات یہاں ذکر کرنے کے قابل ہے کہ مسلم لیگ کے جو مختلف برانچیں ہیں ان میں سب سے پہلے سندھ برانچ نے 1938 میں قرارداد کے ذریعے یہ مطالبہ کیا تھا، ڈیمانڈ کیا تھا کہ پارٹیشن آف انڈیا ہو، یعنی انڈیا کو ڈیوائیڈ کرو۔ یہ سب سے پہلے سندھ برانچ نے، مسلم لیگ کے برانچز میں سے سب سے پہلے سندھ برانچ نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا تھرو اے ریزولوشن، ایک قرارداد کے ذریعے سے۔ قرارداد کے ذریعے سے سندھ مسلم لیگ برانچ نے 1938 کو یہ مطالبہ کیا تھا کہ انڈیا کی تقسیم ہو۔ اٹ آلسو ڈیمانڈیڈ فار سیپریٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، اور اس قرارداد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور جدا وطن کا مطالبہ، آزاد وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ آفٹر 2 ایئرس آن 23 مارچ 1940، اور اس سندھ برانچ کے ریزولوشن کے صرف 2 سال بعد 23 مارچ 1940 کو پاکستان ریزولوشن واز پاس بائی دا پارٹیسپینٹس آف لاہور کانفرنس، اور لاہور کے اجلاس کے شرکاء نے قرارداد لاہور جو تھا یا پاکستان کا جو قرارداد تھا وہ پاس کیا تھا۔ یہ اس سندھ برانچ کے قرارداد کے صرف 2 سال بعد کی بات ہے کہ مسلم لیگ کے جو سالانہ اجلاس ہو رہی تھی لاہور میں، وہاں پر بھی اس مطالبے کو دوبارہ سے دہرائے اور وہ قرارداد پاس کروایا گیا۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایک تاریخی ایونٹ ہے، ہسٹورک ایونٹ ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے۔ دس واز اے ہسٹورک ایونٹ ان دا اسٹرگل فار فریڈم، یہ آزادی کی جو کوشش تھی، جو آزادی کی تحریک تھی، اس میں ایک تاریخی واقعہ ہے فار مسلمانوں کے لیے۔ اینڈ لیٹر آن مور ایفرٹس اور میٹ فار دا اچیومنٹ آف ا سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلم آف سب کانٹیننٹ، اور بعد میں زیادہ کوشش کی گئی اور مسلمانوں کے لیے، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے حصول کی جو منزل تھی اس کو مزید قریب لانے کے لیے مزید کوشش کی گئی، جو کامیاب بھی ہوئی۔ یعنی یہ تاریخی اس لحاظ سے ہے کہ اس سے پہلے تو مسلمانوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا جدا وطن کا، انہوں نے صرف مسلمانوں کے جو آئینی حقوق تھی اس کی بات کی تھی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے مسلمان صرف سپریٹ الیکٹوریٹ کا ڈیمانڈ کر رہے تھے، گورنمنٹ جابز میں اپنے لیے جو ریزرویشن چاہتے تھے کوٹا کے، اس کے ساتھ ساتھ جو پروونشل اور جو سینٹرل لیجسلیٹیو اسمبلیز ہے ان میں سیٹوں کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اتنا شیئر دے دو، یا اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹس ایکٹ بنے تھے 1919 کا، یا جو سائمن کمیشن آیا تھا، یا جو اس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی، یا جو 1935 کا ایکٹ پاس ہوا تھا، ان میں مسلمانوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہمیں جو رائٹس ہے، ہمارے انٹرسٹ ہے، وہ محفوظ ہو جائے، کبھی جدا وطن کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ اس لیے ایک تاریخی واقعہ ہے یہ 1940 کا ریزولوشن، کہ اس میں باقاعدہ سے مسلمانوں نے حقوق اور مفادات کی بات کو چھوڑ کر الگ وطن کا ڈائریکٹ مطالبہ کیا کہ اب ہمیں وطن چاہیے۔ دا ڈیمانڈ آف دا ریزولوشن، جو قرارداد پیش کیا گیا تھا، جو مولوی فضل الحق نے پیش کیا تھا، اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کیا تھی؟ دا لاہور ریزولوشن اور پاکستان ریزولوشن، یہ لاہور ریزولوشن اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ لاہور میں قرارداد پیش ہوا تھا۔ پاکستان ریزولوشن کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ یہ سب سے پہلے انڈین پریس، جو ہندو اخبارات تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستان کا مطالبہ ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس بات کو پھر لے لیا کہ ہاں بس ٹھیک ہے، یہ پاکستان ریزولوشن ہی ہے۔ demanded that those areas where Muslims are in majority like north east and north west of India، تو وہاں وہ سب کانٹیننٹ کے وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہے، جس طرح کہ نارتھ ایسٹ میں ہے اور نارتھ ویسٹ میں ہے، شمال مشرق میں جہاں پر بنگال کا علاقہ تھا، اور شمال مغرب میں جہاں پر سب کانٹیننٹ کے وہ مسلم میجورٹی ایریاز تھے، پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، وہ should combined to form a state، ان کو ملایا جائے کہ ایک ریاست بن جائے،
There should also be specific safeguards for religious, cultural, economic, political, administrative and other rights of minorities. और उसके साथ साथ वहाँ पर जो इलाका हम मांग रहे हैं, जो डिमांड हमारा है, वहाँ पर हम माइनॉरिटीज़ की मज़हबी, सकाफती, माशी, सियासी और इंतज़ामी जो तहफ़ है वो करेंगे, महफूज करेंगे उनको। और उसके साथ साथ ये भी मुतालबा था कि जो मुसलमान इंडिया में रह जाए उनको भी तहफ़ फराहम किया जाए। कंक्लूजन क्या है, खुलासा, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन इज़ ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। जो करारदाद पाकिस्तान है ये हिंदुस्तान के तारीख में, मुसलमानों की तारीख में एक बहुत बड़ा कारनामा है, एक अचीवमेंट है। एज इट इवेंचुअली डिसाइडेड द फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम्स, क्योंकि इस करारदाद ने आखिरकार मुसलमानों के मुस्तकबिल का फैसला किया, यानी उन्होंने अलग वतन हासिल कर लिया। मुस्लिम्स वर कन्विंस्ड दैट देयर फ्यूचर एज अ नेशन वाज नॉट सिक्योर इन इंडिया। मुसलमानों को यकीन था कि हिंदुस्तान में उनका जो मुस्तकबिल है वो गैर महफूज है। जो यूनाइटेड इंडिया है, मुत्तहिदा हिंदुस्तान है, उनका मुस्तकबिल गैर महफूज है। हेंस दे डिसाइडेड टू डिमांड अ सेपरेट होमलैंड, बस उन्होंने मुतालबा किया कि एक जुदा वतन हासिल किया जाए। दिस डिमांड वॉज फाइनली मटेरियलाइज्ड ऑन 14 अगस्त 1947 व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। और ये जो डिमांड हुआ था 1940 में, वो आखिरकार 14 अगस्त 1947 को मटेरियलाइज हुआ, यानी उसको अमली शक्ल मिल गई, वो एक वतन की सूरत में सामने आया। अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद इस क्वेश्चन की रिटर्न वर्क की तरफ जाती है। आप लोग अपने नोटबुक्स, ब्लू ब्लैक मार्कर, पेंसिल, रूलर और उसके साथ साथ जो पेन है वो निकालें। मैं तरीका बताऊंगा, आप मेरे साथ स्टार्ट ले लोगे और इसको आज ही कंप्लीट कर लोगे, नीट सा, प्यारा सा, अच्छा सा। सबसे पहले आप पेज रेडी कर लें, सीरियल नंबर, क्लास वर्क, पाकिस्तान स्टडीज़ और डेट लिख लें। ये जब हो जाए नीट सा, फिर क्वेश्चन एट लिख लें। फिर जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज लाहौर रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इट डिमांडेड, ये क्वेश्चन लिख लें और फिर आंसर की हेडिंग लिख लें। क्वेश्चन लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करें पेंसिल से, जिस तरह हमने पहले किया है उसी पैटर्न के मुताबिक आप लोग अंडरलाइनिंग कर लें। क्वेश्चन को भी अंडरलाइन करें, जो क्वेश्चन हमने लिखा है उसको भी अंडरलाइन करें, और उसके साथ साथ जो आंसर की हेडिंग है उसको भी अंडरलाइन करें। जब भी अंडरलाइनिंग हो जाए फिर इस पेज पर आ जाए, इस पर माइंड मैप ड्रा कर ले। अगर पुल पेज पर माइंड मैप आ गया तो रिटर्न वर्क अगले पेज पर, और अगर जगह ज़्यादा रह गया माइंड मैप के नीचे तो इसी पेज पर अपना रिटर्न वर्क स्टार्ट कर लोगे, फर्स्ट हेडिंग लिख लोगे और रिटर्न वर्क की तरफ जाएंगे। मैं एक स्पेसिमेन माइंड मैप ड्रा करता हूँ, आप लोग उसको देख ले और उससे आइडिया ले ले और वो अपने नोटबुक में नीट सा पेंसिल से ड्रा कर ले। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये एक मॉडल माइंड मैप है जो मैंने ड्रॉ किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने मेन पॉइंट्स है वो इस माइंड मैप में जिक्र है, मेंशन है। ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है ये मेन जो क्वेश्चन है वो है लाहौर रेजोल्यूशन 1940 का, ये उसका हुआ। उसके बाद फर्स्ट जो सर्कल है उसमें मैंने लिखा है प्रेजेंटेड बाय मौलवी फजलुल हक। इस जो रेजोल्यूशन को मौलवी फजलुल हक ने प्रेजेंट किया था, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट बात है। उसके साथ साथ जो डिमांड था रेजोल्यूशन का, डिमांडेड फॉर सेपरेट मुस्लिम स्टेट, जो जुदागाना मुस्लिम रियासत का मुतालबा था वो भी मैंने लिखा है। उसके साथ साथ जो मज़ीद कुछ बातें हैं, यानी मिंटो पार्क लाहौर का, ये भी मैंने लिखा है कि यहाँ पर ये जो करारदाद थी प्रेजेंट हुई थी। एक हिस्टोरिक इवेंट, ये एक तारीखी जो वाकया था, और उसके साथ साथ जो सेशन था उसकी प्रेसिडेंसी के जो परायस थे, सदारत के जो परायस थे, वो कायद अजम मोहम्मद अली जिना ने अदा की थी, इसलिए मैंने ये भी लिखा है कि कायद अजम मोहम्मद अली जिना सदर थे इस इजलास की। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं सारे इस माइंड मैप में जिक्र है, आप लोग इस माइंड मैप को अपने क्वेश्चन के साथ फर्स्ट पेज पर ड्रॉ कर ले नीट सा और अच्छा सा पेंसिल के साथ। अब बाकायदा से आगे बढ़ते हैं अपने रिटर्न वर्क की तरफ, के जो फर्स्ट हेडिंग है वो लिख लेंगे और उसके आगे फिर जो तफसील है वो भी जिक्र कर लेंगे। अच्छा, अब माइंड मैप के बाद फर्स्ट जो हेडिंग है वो आप लोग लिख लोगे, पेज रेडी कर लोगे। जो तफसील हम पहले से लिखते आ रहे हैं, सीरियल नंबर, क्लास वर्क, पाकिस्तान स्टडीज़ का और डेट का, वो लिख लोगे। जब वो लिख लोगे
फर्स्ट हेडिंग लिख लोगे जो भी हेडिंग है यहाँ पर, तो इंट्रोडक्शन हेडिंग है। अगर वहाँ पर मतलब किसी और क्वेश्चन में, इधर तो आपके नोट्स में भी इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन पैटर्न ये है कि जो भी हेडिंग है वो आप लोग लिख लोगे, उसके नीचे पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लोगे, यानी अंडरलाइनिंग उस हेडिंग की कर लोगे। फिर आप नेक्स्ट लाइन में आप लोग अपना जो रिटन वर्क है पैराग्राफ का वो लिख लोगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो आप लोग हाईलाइट लिख लोगे, जो भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, नेम है, डेट है, प्लेस वगैरह का नेम है वो लिख लोगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना एंड अदर मुस्लिम लीडर्स वर नेवर रेडी टू एक्सेप्ट एनी सच सिस्टम विच मे कंसिडर मुस्लिम्स एज माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी मैंने हाईलाइट लिखा है, आप लोग भी मार्कर से लिख लें, इसको हाईलाइट लिख लें अपनी नोटबुक में। द मुस्लिम्स आर अ नेशन बाय एनी डिफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड नेशन। ही एम्पेटिकली डिक्लेयर्ड दैट मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन। जब ये आप लोग लिख लोगे पूरा पैराग्राफ, वर्ड हाईलाइटिंग भी कर लोगे, उसके बाद अगला हेडिंग दे दो, अगले हेडिंग को भी पेंसिल से अंडरलाइनिंग कर लें। जब अंडरलाइनिंग हो जाए फिर उसके बाद उस जो पैराग्राफ है उसको स्टार्ट करें, पूरा कर लें, और इस तरह हेडिंग वाइज जाती जाइए और एंड तक पहुंच जाए। एंड में जो लास्ट पैराग्राफ है उसको भी लिख लें। मैं एंड की तरफ आता हूं। अब ये डियर स्टूडेंट्स फिनिशिंग ऑफ द क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप लोग पेज रेडी कर ले, सीरियल नंबर लिख ले, क्लास वर्क, पाकिस्तान स्टडीज़ और डेट लिख ले। जब ये लिख लोगे फिर हेडिंग लिख ले, लेकिन ये याद रखें कि हेडिंग अगर उससे पहले वाले पेज पर जगह है तो वहाँ आप लोग लिख लोगे। मैंने तो इधर इसलिए लिखा है कि क्लियर हो जाए बात, आप लोग सही तरह से इसको देखें। मैंने इसलिए यहाँ पर स्टार्ट किया है ताकि सही तरह से आप लोगों को समझ आ जाए। कंक्लूजन की हेडिंग लिख ले, जो भी लास्ट हेडिंग है वो लिख ले, अंडरलाइन करें, और फिर उसके बाद आप लोग बाकायदा से उसके नीचे जो डिटेल है वो लिख ले, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, नेम है, दो या मतलब कम से कम दो, वो आप लोग हाईलाइट लिखें ताकि आप लोग का जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर नज़र आए। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन इज़ अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एज इट इवेंचुअली डिसाइडेड द फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स वर कन्विंस्ड दैट देयर फ्यूचर एज अ नेशन वॉज नॉट सिक्योर इन इंडिया, हेंस दे डिसाइडेड टू डिमांड अ सेपरेट होमलैंड। दिस डिमांड वॉज फाइनली मटीरियलाइज्ड ऑन 14 अगस्त 1947 व्हेन पाकिस्तान केम इन टू बींग। जब ये तफसील आप पूरी तरह लिख लोगे फिर उसके बाद जो डबल फिनिशिंग लाइन है वो लगाए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जिस तरह मैंने पहले कहा था ये मालूम हो जाए कि आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा, आंसर है वो पूरा हुआ है, आपने आंसर कंप्लीट दिया है। इस सवाल को सबसे पहले आप लोग डाउनलोड करें, जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है उसको देख ले, वहां से वर्ड्स मीनिंग्स अपने नोट्स पर लिख ले, फिर उसके बाद स्टार्ट ले ले और इसको आज ही अपने नोटबुक में माइंड मैप समेत लिख ले। प्रेजेंटेशन का ख्याल रखे, नीट लिखे, प्यारा लिखे, वर्ड हाईलाइटिंग करें, पेज सही तरह से सारे पेजेस जो जो इस पर आंसर है वो रेडी कर ले, अंडरलाइनिंग भी हो, शार्फ लिखे, मज़दार लिखे, आज ही लिख ले, वक्त ज़ाय ना करें। और जब आप लिख लोगे उसके बाद एक दो बार दोहराए और लर्निंग जो है वो बाकायदा से कंटिन्यू करें। लर्निंग मस्ट है, लर्निंग हर हाल में आप लोग करें, लर्निंग को टाइम दे दें। कल से जो रमज़ान है या परसों से, उसके दिनों में भी आप लोग सिर्फ जो है टाइम नींद वगैरह में मत लगाए, उसमें भी आप लोग मैनेज करें कि टाइम आप लोग दे दें लर्निंग की तरफ, बाकायदा हमारी वीडियो को भी बाकायदा से देखें और लर्निंग भी करें, रिटन वर्क भी करें, सब कुछ आप लोग कंटिन्यू रखें, कोई टाइम ज़ाया बिल्कुल भी ना हो। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा जो आज का वीडियो है पसंद आया होगा। हमें अपने राय से कमेंट्स के ज़रिए से आगाह करते जाए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे जो मसाइल हैं, बातें हैं, सवालात हैं, उनका जवाब तसली बख्श तरीके से दे दें।